है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो पाइथन के इस सीरीज में आपको अब सिखाएंगे व्हाट इज पाइथन, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा लेसन होगा, यहीं पे फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज पाइथन को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं, और यहाँ पे व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है, ठीक है। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप बाई, देखो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, डायनेमिकली टाइप्ड है, ठीक है। और ये जो है हाई लेवल डेवलपमेंट किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अगली बात आती है कि इसको डेवलप किसने किया, पाइथन को डेवलप जो है हमारा जूडो जूडो वैन रनसम ने किया था, ठीक है। और कितने ईयर में किया था, कितने ईस्वी में किया था, यहाँ पे 1991 में किया था, ठीक है। तो इसी चीज को लिखा गया है, जूडो वैन रनसम इन द ईयर 1991, ठीक है, एट CWI इन नीदरलैंड, ठीक है। तो ये नीदरलैंड में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे आगे आते हैं, तो अगला बात आता है कि आखिर पाइथन इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। उस चीज को मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं हम, और वाई नेम पाइथन, पाइथन नेम इसका क्यों पड़ा। यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ कि जूडो वैन रनसम जो थे वो एक कॉमेडी शो था, उसका बहुत बड़ा फैन, ठीक है, बहुत बड़ा फैन थे, ठीक है। उसका नाम जो था मोंटी पाइथन फ्लाइंग फ्लाइंग सर्कल था, ठीक है। और इसको ब्रॉडकास्ट किया था BBC ने किया था, ठीक है, इसको ब्रॉडकास्ट किया था BBC, और कितने ईस्वी में किया था, 1969 में, ठीक है। और एंड कब हुआ, 1974 में, ओके। तो ही यहीं से लिया गया था इस नाम को, पाइथन को, ठीक है। यहाँ पे आपने सीखा व्हाट इज पाइथन और वाई नेम पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ था सिंटेक्स प्रिंट, हेलो को मैंने प्रिंट किया था, ठीक है। तो इसको हम आपको प्रोग्राम करके हम दिखा देते हैं कि पाइथन में प्रोग्राम ऐसे कैसे किया जाता है। तो पाइथन में प्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन को, ठीक है। पाइथन के जो इंटरप्रेटर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद या कंपाइलर को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टॉल कीजिएगा, और इंस्टॉल करके उसके बाद आप प्रोग्राम कर सकते, ठीक है। तो वो भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, वो वीडियो पाइथन के प्लेलिस्ट, कोर पाइथन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना, और पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है IDLE, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा पाइथन का IDLE, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसमें आप लिख सकते हो और उसको रन कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पे आपको करना है Ctrl+N। अगर आप Ctrl+N शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना और न्यू फाइल पे क्लिक कर देना, ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। और इसको आप Ctrl+S कर देना, ठीक है। मैं इसको अभी Ctrl+S पहले करता हूँ, और मैं इसको एक लोकेशन दे देता हूँ अपने हिसाब से, अपना यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन सेट कर लीजिए, ठीक है। नीचे आते हैं, ओके। तो यहाँ पे पाइथन कोड, मैं इसके अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी को नाम दे देता हूँ पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम को मैं, ठीक है। और इसको रिप्लेस आप नाम दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट, ओके, जो चीज मैंने वहाँ पे लिखा था उस चीज को मैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था पाइथन प्रिंट और हेलो, ठीक है। तो मैं इसी को मैं लिखूंगा, ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। और इसको मैं बंद कर दूंगा, और इसे Ctrl+S कर, और इसको F9 से रन कर दूंगा, यानी कि रन करूंगा इसे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से F9 डायरेक्टली ऐसे करके, यहाँ पे देख सकते हो ये हेलो लिखा हुआ आ गया, और ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर ये सब कैसे क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने करके आपको बता दिया कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है पाइथन, ठीक है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।